हेलो टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी मेरा वीडियो देख रहे हो। तो मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 11th लेके एससी वर्मा का, जो कि सीरीज चल रहा था, और यही क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग फिर से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे, बाकी पिछले का क्वेश्चन सॉल्व है, आप देख सकते हो उसका वीडियो, बट अब मैं एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर ए गोल्ड न्यूक्लियस, क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? बोल रहा है सिंपली कि कंसिडर ए गोल्ड न्यूक्लियस, एक गोल्ड का न्यूक्लियस है, ठीक है, टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी। क्या बोल रहा है? 6.9 फर्मी। ध्यान समझना, एक डाटा मेरे को ये मिल गया 6.9 फर्मी। विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, और फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या बोल रहा है? फाइंड द फोर्स। अब चूंकि प्रोटोन और प्रोटोन है तो रिपल्सन ही होगा। बिटवीन टू प्रोटोन्स सिचुएटेड एट अ लार्जेस्ट, ये देखिए, ये खास करके मेन पॉइंट है, ये सिचुएटेड एट अ लार्जेस्ट सेपरेशन। अब लार्जेस्ट सेपरेशन बोलने का मतलब क्या है सर? लार्जेस्ट सेपरेशन बोलने का मतलब क्या है? सपोज दैट, जैसे कि ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये स्फीयर है, ठीक है, ये मेरा वही स्फीयर है, तो इसका लार्ज और रेडियस बता रहा है गोल्डन का, ये स्फीयर कंसिडर है गोल्ड न्यूक्लियस टू बी स्फीयर, उसी का स्फीयर है। किसका? गोल्ड न्यूक्लियस का। उसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 6.9 फर्मी दिया हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि 6.9 फर्मी दिया हुआ है, और बोल रहा है फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स के बीच का फोर्स बताना है, लार्जेस्ट सेपरेशन। बताइए लार्जेस्ट सेपरेशन में यहाँ पे कहाँ पे हो सकता है? यानी लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट का लार्जेस्ट दूरी कौन होगा? क्या ये 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 होगा? क्या यह होगा? तो ऑब्वियसली ये होगा। यानी कि अरे सर, ये तो डायमीटर है ना, ये तो डायमीटर, यानी डायमीटर ही अब क्या बन चुका है? डायमीटर ही क्या बन चुका है? लार्जेस्ट सेपरेशन बन चुका है। यानी कि डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? 2 into radius। तो 2 into radius, रेडियस कितना दिया हुआ? 6.9 फर्मी। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10 to the power -15 मीटर। ठीक है, तो हो जाएगा 2 into 6.9 into 10 to the power -15। अब जब हम 6.9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा कैलकुलेटर का हेल्प लेंगे, तो जब 6.9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा सिंपली निकल के जो आएगा 13.8। ठीक है, तो 13.8 आप करके देख लीजिएगा, -15। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेटर का सहारा ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट में इधर उधर नहीं होगा। तो ये हो गया मेरे को। अब क्वेश्चन लगाए तो F इक्वल टू क्या होता है? बेसिकली K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो K का वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9, अच्छे से लिख दे रहे हैं, 9 into 10 to the power 9 into कितना? 1.6 into 1.6। मतलब क्यों ऐसे समझ रहे हैं कि दो चार्ज है ना, दो प्रोटॉन का, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? तो सर प्रोटॉन का चार्ज जो होता है ना, ये प्रोटॉन का चार्ज वो होता है 1.6 into 10 to the power -19। तो यहाँ पे दोनों प्रोटॉन ही है, तो दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power -19। एकदम बोले ना, एकदम धीरे धीरे एकदम बने क्वेश्चन बन जाएगा एकदम। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है? तो 13.8 into 10 to the power -15 का क्या होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा सर? मल्टीप्लाई करने पे अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहेंगे इसे, तो 1.6 into 1.6 कितना होता है? 2.56। तो और 9 into 2.56 into 10 to the power कितना हो जाएगा? ये 19 और -19 -38 और -38 में से 9 चला जाएगा, तो -29 10 to the power कितना? 10 to the power -29 अपॉन 13.8 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो देख लेते हैं 13.8 का होल स्क्वायर करने पे क्या आएगा। तो 190.44 इंटू सर कितना? तो 10 to the power -30। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 9.256 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करने पे आता है कितना? 23.04 कितना होता है सर? तो आता है 23.04 और इंटू ये -30 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा +30। तो यानी एक 10 बच जाएगा ना, यानी 10 बच गया, अपॉन नीचे में कितना है सर? 19। अच्छा एक काम करते हैं ना, ठीक है बता देते नेक्स्ट स्टेप में 44, ये पॉइंट 2 के बाद हटा दे रहे हैं इसे।
ठीक है, तो अब बच गया, अब इसको डिवाइड देंगे 2304 को 1904 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा सर, और चूंकि इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ओवरऑल हो जाएगा 2304 और फिर ये जीरो, तो हो गया 0/1904। अब इसे डिवाइड देके देख लेते कितना आता है, तो इसे जब डिवाइड देके देखेंगे तो आ जाता 1.2 समथिंग है, लेकिन 1.2 ऐसे आगे में और भी वैल्यू है, लेकिन 1.2 न्यूटन लिख के आंसर आपका आंसर दे दिया है। तो ये मेरा स्माइली बन गया यहाँ पे और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपका मेन ये समझना था आपको ये, तो इसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट में इधर डाल दे रहा हूँ, ये डायमीटर वाला बात था। और बाकी सिंपल कैलकुलेशन किए, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन। अगर आप बस अगर ये सिंपल बात है, ये आप अगर लिख लिए हो तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे, और अगर नहीं पहुंच रहे हो तो फिर आपके कैलकुलेशन में कहीं ब्लंडर मिस्टेक हो, छोटा मोटा मिस्टेक होगा, और बाकी तो उसके बाद जान ही रहे हैं फिर ये, और फिर इसको सॉल्व करके 1.2 न्यूटन ले आए। ठीक है, तो फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, तो टाटा बाय बाय।